हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और आका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल विष्णु पर। वहाँ पर दोस्तों, तो जो आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो डीडी फूडीज पर चल रहे दो ऐसे चैनल को लेकर आ रही है जो काफ़ी अच्छी मूवी दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धिनचक और धिनचक 2 की। दोस्तों, आपको भी कहीं ना कहीं से ये अपडेट मिली होगी कि धिनचक चैनल और धिनचक 2 ये दोनों रिमूव हो रहे हैं डीडी फूडीज से। और दोस्तों, क्या ये अपडेट सच है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो डीडी फूडीज की हर अपडेट पाने के लिए अभी कहीं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डीडी फूडीज और सब अन्य चैनल्स को लेकर जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, धिनचक काफ़ी अच्छा चैनल है और यहाँ हमें डीडी फूडीज पर भी देखने को मिलता है। साउथ की सबसे ज़्यादा ब्लॉक बस्टर मूवी हम धिनचक ही दिखाता है। और दोस्तों, अभी तो हमें पुष्पा मूवी भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, सबके मन में अब यही डाउट है कि क्या धिनचक और धिनचक 2 डीडी फूडीज रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के आप लोग को भी बताया होगा कि ये दोनों चैनल रिमूव होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों चैनल रिमूव हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों, तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, धिनचक की TRP काफ़ी हाई चल रही है और दोस्तों ज़्यादातर लोग इसे डीडी फूडीज पर ही देखते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा अभी जितने भी चैनल डीडी फूडीज से रिमूव होंगे या फिर ऐड होंगे, यानी कि 58 के ऑक्शन का रिजल्ट सीधा 1 अप्रैल को आएगा। और दोस्तों, 1 अप्रैल के पहले हमें धिनचक पर कितनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने को मिल चुकी हैं और दोस्तों अभी हमें पुष्पा मूवी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, तो इस जानकारी को देख के लग रहा है कि धिनचक चैनल डीडी फूडीज से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर धिनचक को डीडी फूडीज से रिमूव ना होता तो कुछ समय बाद भी ये मूवी दिखा सकता था। लेकिन दोस्तों, इतनी फास्ट और इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी हमें धिनचक चैनल दिखा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें डीडी फूडीज से रिमूव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शायद ये डीडी फूडीज से रिमूव नहीं होगा। अभी हमारे पास कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई है। और दोस्तों, हमारे पास क्या किसी के पास भी अभी तक ये जानकारी निकल के नहीं आई है कि धिनचक चैनल और धिनचक 2 ये दोनों डीडी फूडीज से रिमूव होंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारी माने तो ये दोनों चैनल डीडी फूडीज से रिमूव नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चैनल ऐसा नहीं चाहता है कि वो डीडी फूडीज से रिमूव होने के बाद उसको अच्छी TRP नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अभी 2 से 3 साल पहले कुछ ऐसे चैनल थे जो डीडी फूडीज से रिमूव हो गए थे। दोस्तों, उनका नाम तो आप जानते ही होंगे, कलर्स थे, सोनीपाल, और ऐसे ही कुछ 8 चैनल थे जो रिमूव हो गए थे डीडी फूडीज से। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आप इन सब चैनल्स का हाल जानते हैं, ये TRP में किसी भी एंगल से नज़र नहीं आते थे। लेकिन दोस्तों, डीडी फूडीज पर आने के बाद इन सब चैनल्स की TRP फिर से हाई हो गई है। दोस्तों, तो ये सब चैनल डीडी फूडीज से रिमूव होने नहीं चाहेंगे। और दोस्तों, बाकी रिजल्ट तो हमें डीडी फूडीज की होने वाली इसी ऑक्शन में पता चल जाएगा। और बाकी दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, यही थी अच्छी अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो डीडी फूडीज की हर अपडेट पाने के लिए अभी कहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस नई वीडियो में।